हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आनंद कुमार है और जैसा कि अभी रिसेंट में ही रिजल्ट आया है, रिजल्ट आने के बाद लगातार मैसेजेस एंड कॉल का सिलसिला जारी है। मैं यहां पर यह ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि जो स्टूडेंट्स हैं पैनिक में आ चुके हैं। स्टूडेंट्स अभी तक ये सोच रहे थे कि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के अकॉर्डिंग आगे की प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाएंगे, लेकिन जैसे रिजल्ट आया और अभी इनको सेलिब्रेट भी नहीं किया है और वैसे ही आपके एग्जाम जो है नवंबर में आपके एग्जाम स्टार्ट है, तो जस्ट नेक्स्ट मंथ ही आपके पास में आपके एग्जाम्स आ रहे हैं। तो अब इतने कम टाइम में, क्योंकि आपके पास में कोई एक सब्जेक्ट तो है नहीं, क्योंकि अगर पूरा आप 1.5 महीने एक सब्जेक्ट को दे दोगे पूरे सुबह से शाम डेडिकेशन करके, तो आप उसको क्रैक कर दोगे। तो आपके पास में यहां पर सब्जेक्ट तो आपके पास में ज्यादा है, तो सभी सब्जेक्ट्स के लिए 50 दिन जो आपके पास बचे हुए, इन 50 दिन में इन सभी सब्जेक्ट को आप किस तरीके से आप कवर करेंगे। अब सवाल यहां पर आ चुका है, स्टूडेंट ये सोच रहे हैं 50 दिन में कैसे कवर होगा, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो डियर, मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहा हूं, मैं 40 आवर्स का लेक्चर आपके सामने लेकर के आ रहा हूं जिसमें 100% कंप्लीट कोर्स होगा आपका सिर्फ 40 घंटे के अंदर। और 100% आपको पढ़ना क्या है, कहां से पढ़ना है, जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा, जो मैं आपको नोट्स दूंगा, सिर्फ और सिर्फ आपको वहीं से पढ़ना है। इस 40 घंटे के लेक्चर में, इस 40 घंटे के लेक्चर में कोर्स भी कंप्लीट आपका होगा और प्लस आपको 10 ईयर जो प्रीवियस ईयर जो पिछले 5, 7, 10 साल के जो क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन भी आपको इसमें ही मिल जाएगा। तो ये 40 घंटे का लेक्चर उस हिसाब से डिजाइन किया गया है जिसमें चैप्टर भी आपका कवर हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चैप्टर के साथ साथ ही आपका कवर हो जाए। तो इसलिए आपके पास में सिर्फ 40 आवर्स, जैसे आप अपने पास में देख पा रहे हैं कि टोटल आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को कवर करने के लिए। इसमें प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी एंड चॉइस आपका 2 आवर का लेक्चर है, डिमांड एंड सप्लाई आपका 4 आवर का लेक्चर है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई 2 आवर, एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देखिएगा, आप ये सोच रहे कि डिमांड एंड सप्लाई वो है जो कि आपने पहले पढ़ा था, इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा, पेपर में डिमांड सप्लाई से नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूं आपको। टैनिन उठा लीजिए, आप बताइए कहां डिमांड सप्लाई से आया है, पेपर में आता कहां से है, पेपर में आपके क्वेश्चन आता है कहां से, पेपर में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से। तो एप्लीकेशन डिमांड सप्लाई तो आपने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं, सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई। कंज्यूमर थ्योरी, कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व जो अभी तक आपने पहले पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें से कुछ भी नहीं आएगा। यहां पर आएगा प्राइस कंजम्पशन कर्व, इनकम कंजम्पशन कर्व आपका आएगा, इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट इक्वल्स टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये सारी चीजें 100% वाले क्वेश्चन जो आएंगे आएंगे, वो नहीं आएगा जो आपने पहले पढ़ा था। तो इसलिए थोड़ा अवेयर रहे क्या पढ़ना है। लॉ ऑफ प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक ऑफ स्केल, आपने इकोनॉमी ऑफ स्केल पढ़ना है, आपने पीछे शॉर्ट रन पढ़ा था, यहां पर आपको शॉर्ट रन प्लस में लॉन्ग रन दोनों पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आइसोक्वांट का पहले आपने कभी नहीं पढ़ा है। बिहेवियर ऑफ कॉस्ट एंड रिवेन्यू, लेकिन पहले आपने पढ़ा था बहुत छोटे तरीके में, अब वास्ट लेवल पर आपको यहां पर पढ़ने को मिलेगा जिसमें से क्वेश्चन आपके पास में आएंगे। मार्केट स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, गेम थ्योरम, और बहुत कुछ आपको जो नई नई चीजें जो पेपर में आएंगी वो पढ़ने को आपको मिलेगा। तो सिर्फ 40 घंटे में आपका पूरा कोर्स भी कवर होगा, इवन आप फुल स्कोर की तरफ आगे जा सकते हैं। पेपर में जो सवाल आएंगे गारंटेड है, सारे सवाल वो आपके एग्जाम्स में देखने को आपको मिलेंगे, जो कि मैं आपको इन 40 घंटे में आपको बताने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं। इवन मैं आपको यहां पर चीजें बनाना सिखाऊंगा, डायग्राम क्रिएट बनाना सिखाऊंगा, डायग्राम कैसे बनाना है आंसर को, क्योंकि मुझे मालूम है समय बहुत कम बचा हुआ है, बैठ के रट्टा नहीं मार सकते हो अब आप, और भी सब्जेक्ट्स हैं आपके पास में, सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है। तो यहां पर मैं आपको तरीका बताऊंगा जिससे कि आप क्या कर सकते हैं कि डायग्राम बना लेंगे तो आंसर को कैसे आप लिखेंगे, अपनी नॉलेज को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो सिर्फ लिख करके 2 बार प्रैक्टिस करेंगे आप, आपका वो टॉपिक क्लियर हो गया। तो सिर्फ 40 घंटे में फुल स्कोर की तरफ हम यहां पर जाएंगे। कुछ बच्चों के ये भी कॉल है, ध्यान रखिएगा कि एक बार अगर गलती से बैक अगर आपके पास में आ गई, इसे छुटकारा नहीं मिलेगा आपको, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। गलती से बैक के चक्कर में मत रहिएगा, नेक्स्ट ईयर लगातार पेपर हैं आपके, इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो क्योंकि आप खुद सोचिए, आपका जो करंट पेपर है यही नहीं संभल पा रहा है अगर, तो पिछला इकट्ठा करके सारे कैसे संभालोगे। और दूसरी बात है, बैक आने से कई बार क्या होता है कि कई बार इस तरीके की सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है कि अभी जनरली देखने को मिला है कि बच्चे जो है कई बार एब्सेंट कर दिए गए एग्जाम में गए, उसके बाद भी मैं इसके ऊपर अगली वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे बच सकते हैं इस सिचुएशन से कि आप एग्जाम में गए और आप एब्सेंट आपको ना किया जाए, उससे आप कैसे बचेंगे, उसको मैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। फिलहाल आप इस बात को जरा समझिएगा कि जो हम प्लान लेकर के आ रहे हैं ना, बिल्कुल पैनिक मत होइए, हम आपके साथ हैं।
घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, गारंटेड आपका सिलेबस और 100% पूरा होगा। और ऐसे नहीं भागम भाग हो गया, आराम से ही करवाएंगे, लेकिन आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा करके आपके फुल स्कोर तक आपको हम लेकर के जाएंगे। पूरी टीम हमारी लगी हुई है, जैसा आप देख पा रहे हैं कि एफएम के भी आपके पास में जो है 50 डेज आपका जो है प्लान आया हुआ है, इको का भी आया हुआ है, तो इस तरीके से चीजों को आप जो है कवर कर सकते हैं कम समय में। तो बस आप विश्वास करिए, विश्वास करने के साथ साथ आप हमारे साथ साथ चलिए। आप एक बार विश्वास कर लेंगे, क्योंकि देखिएगा ऐसा तो है नहीं सिर्फ फिफ्थ सेमेस्टर की बात है, अगर आपको सही तरीके चीजें मिलेंगी तभी आप सिक्स सेमेस्टर में भी हमारे साथ में जुड़े रहेंगे। तो एक बार विश्वास कीजिए, फिफ्थ सेमेस्टर आपका क्या, आप सिक्स सेमेस्टर में भी आप फिर जुड़ जाएंगे। आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो आपके सामने है आप उसको यूटिलाइज कीजिए, आप यूट्यूब के माध्यम से यूटिलाइज कीजिए, आप डिस्क्रिप्शन पे जरूर जाया करें। बच्चे का मैं कमेंट बार बार पढ़ता हूं कि सर ये चीजें नहीं मिली, सर ये कंटेंट नहीं मिला, सर ये क्लासेस नहीं मिली, तो डियर आप डिस्क्रिप्शन पे जरूर जाएं। और डिस्क्रिप्शन पे जैसे ही आप जाते हैं तो यहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारे लिंक मिल जाएंगे, हमारे टेलीग्राम के लिंक मिल जाएंगे, हमारे सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे, हमारा एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, कोर्स को बाय करने का लिंक मिल जाएगा। लेकिन जल्दी करें, 50 दिन ऑलरेडी कम है आपके पास में, उसमें ही हमें सब कुछ एग्जीक्यूट करना है। जो भी बच्चा मेरी वीडियो जैसे ही देखेगा वो विश्वास कर करके, ट्रस्ट कर करके वो हमारे साथ में हमारे एप्लीकेशन पर वो ज्वाइन हो जाइए और वो हमारे साथ में जुड़ जाइए। मैं आपके लिए 50 क्योंकि 40 आवर्स है, 50 दिन का प्लान है। तो क्लासेस तो भैया अब आपका MWFTTS से मेरी क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो बात नहीं बनेगी, कहीं ना कहीं क्लासेस को आप रेगुलर करने की नीड है। तो इसलिए आप जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, तेजी से कोर्स आगे बढ़ेगा। 4 दिन या 5 दिन बाद भी अगर आप आएंगे तो देखेंगे आपके 2-3 चैप्टर हो चुके हैं, तो ये एक बड़ी समस्या आपके सामने आ जाएंगी। इसलिए आपके सामने मैं आज इस वीडियो को लेकर के आ रहा हूं और आज ही आपसे बच्चे जुड़े, इसमें आप एक पल की भी देरी ना करें। थैंक यू सो मच।